आइए जानते हैं ललिता जयंती व्रत कथा पूजा विधि एवं महत्व के बारे में। माँ ललिता 10 महाविद्याओं में से एक है। ललिता जयंती का व्रत भक्तजनों के लिए बहुत ही फलदायक होता है। भक्तों में मान्यता है कि यदि कोई इस दिन माँ ललिता देवी की पूजा भक्ति भाव सहित करता है तो उसे देवी माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और जीवन में हमेशा सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। पुराणों के अनुसार आदि शक्ति त्रिपुर सुंदरी जगत जननी ललिता माता के मंदिर में दर्शनों एवं पूजन हेतु हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं। सीतापुर जनपद की सीमा से 35 किलोमीटर दूर नैमी शरण्य के माँ ललिता देवी मंदिर के विशेष चढ़ावे सोने और चांदी के छत्र होते हैं। माना जाता है कि माँ को छत्र चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की श्री अंतर के रूप में आराधना करने की परंपरा पुरातन काल से ही चली आ रही है। मान्यता है कि जग जननी माँ ललिता का प्रादुर्भाव माघ मास की पूर्णिमा को हुआ था। आदि शक्ति भगवती ललितंबा की जयंती तिथि को इन भगवती की विशेष आराधना की जाती है। श्री अंतर निवासिनी भगवती षोड़शी महाविद्या ही त्रिपुरांबा श्री विद्या ललिता महा त्रिपुर सुंदरी श्री माता त्रिपुरा आदि नामों से सुविख्यात है। ललिता नाम की विख्याति पद्म पुराण में कही गई है। लोका नित्य ललिते ललिता तेन चोयते, जो संसार से अधिक शोभाशाली है वही भगवती ललिता है। श्री विद्या के लीला विग्रह को अनंत हैं। महा त्रिपुर सुंदरी ललिता महाविद्या के विषय में कुछ भी लिखना सूर्य देव को दीप दिखाने जैसा है, क्योंकि अनंत का जितना भी वर्णन करें कम ही है। परंतु ऐसा होने पर भी ललितांबा की जो महिमा वर्णित हुई है ब्रह्मांड पुराण त्रिपुरा रहस्य आदि पुराणों साहित्यों में, इसके मध्य से इन महा त्रिपुरा सुंदरी माँ की भक्ति में हम लग जाएं तो निश्चय ही जीवन सफल है। तो आइए भक्तों जानते हैं ललिता जयंती व्रत की पूजा विधि के बारे में। शक्ति स्वरूपा देवी ललिता को समर्पित ललिता जयंती माघ मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस शुभ दिन भक्तगण व्रत एवं उपवास का पालन करते हैं। यह दिन ललिता जयंती व्रत के नाम से जाना जाता है। देवी ललिता जी का ध्यान रूप बहुत ही उज्ज्वल व प्रकाशमान है। माता की पूजा श्रद्धा एवं सच्चे मन से की जाती है। प्रातःकाल माता की पूजा उपासना करनी चाहिए। ललितोपाख्यान ललिता सहस्त्र नाम ललिता दृष्टि का पाठ किया जाता है। दुर्गा का एक रूप भी ललिता के नाम से जाना गया है। ब्रह्मनीला तंत्र के अनुसार काली के दो भेद कहे गए हैं, कृष्ण वर्ण और रक्त वर्ण। कृष्ण वर्ण काली दक्षिण कालिका स्वरूप है और रक्त वर्ण त्रिपुर सुंदरी स्वरूप है। अर्थात माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी रक्त काली स्वरूपा महाविद्याओं में कोई स्वरूप भोग देने में प्रधान है तो कोई स्वरूप मोक्ष देने में, परंतु त्रिपुर सुंदरी अपने साधक को दोनों ही देती हैं। कालिका पुराण के अनुसार देवी की दो भुजाएं हैं, यह गौर वर्ण की रक्तिम कमल पर विराजित है। ललिता देवी की पूजा से
समृद्धि की प्राप्ति होती है। दक्षिण मार्गी शाक्तों के मत अनुसार देवी ललिता को चंडी का स्थान प्राप्त है। इनकी पूजा पद्धति देवी चंडी के समान ही होती है। यह श्री अंतर की मूल अधिष्ठात्री देवी हैं। मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौं ओम ह्रीं श्रीं क ऐं ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं सकल ह्रीं सौं ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नमः होता है। इस ध्यान मंत्र से माँ को रक्त पुष्प वस्त्र आदि चढ़ाकर अधिकाधिक जप करें, आपकी आर्थिक भौतिक समस्याएं समाप्त होंगी। तो आइए भक्तों, श्रवण करते हैं ललिता जयंती व्रत कथा। देवी ललिता आदि शक्ति का वर्णन देवी पुराण में प्राप्त होता है। दरअसल नैमिषारण्य में एक समय दक्ष प्रजापति के आने पर सभी स्वागत करने के लिए उठे, लेकिन भगवान शंकर जो कि वहां मौजूद होने के बावजूद भी नहीं उठे। इसी अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष ने अपने यज्ञ में शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। जिसकी जानकारी जब माँ सती को लगी तो बिना भगवान शंकर की अनुमति के माँ सती अपने पिता राजा दक्ष के घर पहुंची। उस दौरान संपन्न हो रहे यज्ञ समारोह में अपने पिता के द्वारा भगवान शंकर की निंदा सुनकर एवं खुद अपमानित होकर माँ सती ने अपने प्राणों को त्याग कर दिया। जिसकी जानकारी भगवान शंकर को लगते ही वह माँ सती को प्रेम में विरहतुर होकर उन्होंने माँ सती के शव को कंधे पर रखकर इधर उधर उन्मत्त भाव से घूमना शुरू कर दिया। भगवान शंकर की स्थिति से विश्व की संपूर्ण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। ऐसे में विविश होकर भगवान विष्णु ने अपने धनुष बाण से माँ सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद जहाँ भी माँ सती के शव के अंग प्रत्यंग गिरे, एक एक शक्ति विभिन्न प्रकार की आकृतियों से युक्त होकर उन स्थानों पर विराजमान हुई और वह स्थान आज प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल स्थापित हो गए। तंत्र चूनामणि के आधार पर महादेव भी उन स्थानों पर भैरव के विभिन्न रूपों में स्थित हुए। पुराणों और शास्त्रों की माने तो नैमिषारण्य में माँ सती का हृदय गिरा था। देवी भागवत के आधार पर नैमिष एक लिंग धारणी करके शक्ति पीठ स्थल भी है। यहाँ लिंग स्वरूप में श्री भगवान शिव का पूजन अर्चन भी होता है। नैमिषे माँ ललिता देवी मंदिर के द्वार पर ही प्रयाग पंच प्रयाग तीर्थ विद्यमान है, इसलिए भी लिंग धारणी के ऊपर नाम में ललिता नाम प्रचलित है। एक अन्य कथा अनुसार ललिता देवी का प्रादुर्भाव तब होता है जब ब्रह्मा जी द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा। इस स्थिति से विचलित होकर ऋषि मुनि भी घबरा गए और संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगी। तब सभी ऋषि माता ललिता देवी की उपासना करने लगे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी जी प्रकट होती हैं तथा इस विनाशकारी चक्र को थाम लेती हैं। सृष्टि पुनः नव जीवन को प्राप्त होती है। पूर्व प्रकाशित महात्माओं से ऐसा भी लेख मिलता है कि चक्र की शक्ति को रोकने के लिए भी ललिता शक्ति का प्रकट हुआ। पौराणिक मान्यता अनुसार इस दिन देवी ललिता
भांडा नामक राक्षस को मारने के लिए अवतार लेती हैं। राक्षस भांडा कामदेव के शरीर के राख से उत्पन्न होता है। पूर्व काल में शिवजी की क्रोधा अग्नि द्वारा दग्ध काम की उस भस्म से गणेश जी के साथ खेलने के लिए भगवती पार्वती जी ने एक पुतला बनाया और उसको प्राण युक्त कर दिया। तब उस तमोगुणी पिंड से भगवती रमा के द्वारा शापित माणिक्य शेखर के जीवन का प्रवेश होने से पिंड ने भयंकर रूप धारण कर लिया। यही भांडासुर की उत्पत्ति का निमित्त बना। उस भंड नाम के असुर ने श्री शिव शंकर जी की आराधना की और उनसे अभय वर प्राप्त कर लिया। त्रिलोकाधिपति करते हुए देवताओं के आविर्भाव का भी स्वयमेव भोग करना आरंभ किया। दुष्ट भांडासुर जब इंद्राणी का हरण करने की सोचने लगा तो इंद्राणी उस असुर के डर से गौरी के निकट आश्रय लेती है। इधर भंडक ने विशुर्क को पृथ्वी का और विषगण को पाताल का आधिपत्य दिया। उस दुष्ट ने स्वयं इंद्रासन पर आरूढ़ होकर इंद्राणी इंद्र आदि देवताओं को अपनी पालकी ढोने पर नियुक्त किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने दयावश होकर इंद्र आदि को इस दुर्गति से मुक्त किया। असुरों की मूल राजधानी शोणितपुर को ही मायासुर के द्वारा स्वर्ग से भी सुंदर बनवाकर उसका नया नाम शुनकपुर रखकर वहीं पर भंड दैत्य राज्य करने लगा। स्वर्ग को उसने नष्ट कर डाला। दिक्पालों के स्थान में अपने बनाए हुए दैत्यों को ही उसने बैठा दिया। इस प्रकार 105 ब्रह्मंडों पर उसने आक्रमण किया और उनको अपने अधिकार में कर लिया। अनंतर भंड दैत्य ने फिर घोर तपस्या कर शिवजी से अमरत्व का वरदान पाया। इंद्राणी ने गौरी का आश्रय पाया। यह सुनकर दुष्ट भांडासुर दैत्य सेना के साथ कैलाश गया और गणेश जी की भर्त्सना कर उसने इंद्राणी को अपने लिए मांगने लगा। भांडासुर की ऐसी दुष्टता देखकर गणेश जी रुद्र होकर प्रमथादि गणों को साथ लेते हुए उससे युद्ध करने लगे। अपने पुत्र गणेश को युद्ध प्रवृत्त देखकर गणेश जी की सहायता करने के लिए भगवती गौरी अपनी कोट कोट शक्तियों के साथ युद्ध स्थल में आकर दैत्यों से युद्ध करने लगी। इधर गणेश जी की गदा के प्रहार से मूर्छित होकर पुनः प्रकृत होते ही भांडासुर ने उनको अंडकुशाघात से गिराया। माता गौरी यह देखकर बहुत ही क्रुद्र हुई और हुंकार से भांडासुर को बांधकर ज्यों ही मारने के लिए उदित हुई। त्यों ही ब्रह्मा जी ने गौरी को शंकर जी के दिए हुए अमरत्व वर प्रदान का स्मरण दिलाया। शिव जी के वरदान का मान रखने के लिए विविश होकर गौरी ने भांडासुर को छोड़ दिया। इस प्रकार भंड दैत्य से त्रस्त होकर इंद्र आदि देवों ने देव गुरु बृहस्पति जी की आज्ञा अनुसार हिमाचल में त्रिपुरा देवी के उद्देश्य से तांत्रिक महायज्ञ करना आरंभ किया। अंतिम दिन यज्ञ समाप्त कर जब देवगण श्री माता की स्तुति कर रहे थे इतने में ही ज्वाला के बीच से महाशब्द पूर्वक अत्यंत तेजस्वनी त्रिपुराम्बा प्रदत्त हुई। उस महाशब्द को सुनकर तथा उस लोकोत्तर प्रकाश पुंज को देखकर देव गुरु बृहस्पति के सिवा सब देवगण बधिर तथा अंध होते हुए मूर्छित हो गए। साक्षात ललिताम्बा को समक्ष देख देवगुरु तथा ब्रह्मा जी ने हर्षद स्वर से श्री माता की स्तुति की।
श्री माता ने प्रसन्न होकर उनका अभीष्ट पूछा। उन्होंने भी भांडासुर की कथा सुनाकर उसके नाश की प्रार्थना की। माता ने भी उस दुष्ट असुर को मारना स्वीकार किया और मूर्छित इंद्र आदि देवों को अपने अमृत में कृपा दृष्टि से चैतन्य करते हुए अपने दर्शन की योग्यता प्रदान करने के लिए उनको विशेष रूप से तपस्या करने की आवश्यकता बतलाई। देवता लोग भी माता की आज्ञा अनुसार तपस्या करने लगे। इधर भांडासुर ने देवों पर धावा बोल दिया। कोट कोट सैनिकों के साथ आते हुए भंड दैत्य को देखकर देवों ने त्रिपुरांबा की प्रार्थना करते हुए अपने शरीर अग्नि कुंड में अर्पित कर दिए। भगवती त्रिपुरांबा की आज्ञा अनुसार ज्वालामालिनी शक्ति ने देवगणों के आसमानतार चारों ओर एक ज्वालामंडल प्रकट किया। देवों को ज्वाला में भस्मीभूत समझकर भंड दैत्य सैन्य के साथ वापस चला गया। दैत्य के जाने के बाद देवतागण जब अपने अविष्ट अंगों की पूर्ण पूर्णहूति करने के लिए ज्यों ही उदित हुए, त्यों ही ज्वाला के मध्य से तड़ी पुंज निभा त्रिपुरांबा अभिभूत हुई। देव लोगों ने जय घोष पूर्वक पूजा निंद्रा भगवती ललिता की स्तुति की। देवों को अपने दर्शन सुलभ हो इसलिए श्री माता ने विश्वकर्मा के द्वारा सुमेरु शिखर पर निर्मित श्रीनगर में सर्वदा निवास करना स्वीकार किया। उसके बाद श्री माता ललितांबा ने देवों की प्रार्थना के अनुसार श्री चक्रात्मक रथ पर आरूढ़ होकर भंड दैत्य को मारने के लिए प्रस्थान किया। महाभयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री माता के कुमार श्री महागणपति तथा कुमारी बालांबा ने भी युद्ध में बहुत पराक्रम दिखाया। श्री माता की प्रमुख दो शक्तियां मंत्रिनी राजमात योगेश्वरी दंडिनी वाराही और अन्य अनेक शक्तियों ने अपने प्रबल पराक्रम के द्वारा दैत्य सैन्य में खलबली मचा दी। अंत में बड़ी कठिनता उपस्थित होने पर जब श्री माता ने महाकामेश्वर शस्त्र चलाया तब सपरिवार भंड दैत्य मारा गया। देवों का भय दूर हुआ और वह पूर्वतः स्वर्ग में अपने अपने पदों पर अधिष्ठित हो गए। दैत्यों द्वारा आक्रांत 105 ब्रह्मांडों में भी पुनः चैन की वंशी बजने लगी। तो आइए भक्तों जानते हैं ललिता जयंती महत्व के बारे में। 10 महाविद्याओं में से एक माँ ललिता अथवा त्रिपुर सुंदरी की आराधना भक्त जन मोक्ष पाने के लिए करते हैं। इनकी आराधना करने से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ में वह जीवित रहते हुए समस्त सिद्धियों का भी स्वामी बन जाता है। माता ललिता जयंती के उपलक्ष पर अनेक जगहों पर भव्य मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु श्रद्धा और हर्षोल्लास पूर्वक भाग लेते हैं। माँ ललिता देवी मंदिर में हमेशा ही भक्तों का तांता लगा रहता है, परंतु जयंती के अवसर पर माँ की पूजा आराधना का कुछ विशेष ही महत्व होता है। यह पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण षडोपचार विधि से माँ ललिता का पूजन करते हैं। इस दिन माँ ललिता के साथ साथ स्कंद माता और शिव शंकर जी की शास्त्रानुसार पूजा भी की जाती है। तो भक्तों ये थी ललिता जयंती व्रत की कथा विधि एवं महत्व।